वहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है और ना ही शहर की तरफ आने के लिए गाड़ी या रास्ता। नकली डॉक्टर या गलत लोगों के पास जाने के अलावा कोई उपाय नहीं है उनके पास। हमारी बिटिया को बचा लो डॉक्टर, आप मिस इस बच्ची को बचा लो। एक छोटी सी कली जैसे नाजुक बच्चे को मसल दिया, पति नहीं जल्लाद है जल्लाद। बचपन में ही पैदा होते इनके माता पिता इनके रिश्ता तय कर देते हैं और 9-10 साल में ब्याह। क्या तुम्हारे पति ने, कौन सी सदी में जी रही है लोग? लाचार के शरीर में बल नहीं होता, पर उसकी चीख सीना चीर देती है। गांव का रास्ता तो शहर तक जाता है, पर हर शहर का रास्ता गांव तक नहीं लौटता, और इसीलिए मैं अपने गांव लौटी हूं, ताकि मैं अपने गांव और आसपास के सभी गांव जहां पर अस्पताल नहीं है, डॉक्टर्स नहीं हैं, उन सब तक पहुंच सकूं, एक एक तक पहुंचकर उनके आंसू पोंछ सकूं। मुझे मालूम है ये सफर मुझे अकेले ही तय करना। हिम्मत ही वो ताकत है जिसके सहारे इंसान समंदर की हर विपरीत लहर को बिना झुके पार कर सकता है। बड़े शहरों में हम सिर्फ बीमारियों से लड़ते हैं, पर यहाँ छोटे छोटे गांवों में हर बीमारी के पीछे एक लंबी सामाजिक लड़ाई होती है। भगवान पे चढ़ाया हुआ चढ़ावा कभी कोई भगत वापस मांगता है क्या? सिर्फ उसकी हड्डियां जोड़ना ही मेरा काम नहीं, उसकी हिम्मत जोड़ना भी मेरा काम। डॉक्टर नी, नेता बनने चली है। डॉक्टर स्नेहा के सामने रोज एक नई चुनौती है, हर क्षण एक संघर्ष है। सिर्फ छेड़ कर नहीं, जरा एक बार उनके साथ खेल कर भी तो देखो। तब ना कोई लड़का होगा और ना कोई लड़की होगी, सब बस खिलाड़ी होगी। स्नेहा माथुर है ना, इन्हें तबाह करना है। इज्जत और ईमानदारी की दो रोटी मन भी भरती है और पेट भी। सच को दबाने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कई बार मन करता है कि अपने कदम पीछे खींच लो, फिर उन लोगों के चेहरे मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं और मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या गरीब के स्वास्थ्य की किसी को नहीं पड़ी? क्या हम अपनी महिलाओं अपने बच्चों को यूं ही मरने देंगे? डॉक्टर स्नेहा ना तो रुकेंगी ना ही झुकेंगी, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते ही जाएंगी। कोई रोक सके तो रोक ले। मैं इस देश का चेहरा बदल दूंगी।